हमारे घरों के आसपास या रोड के किनारे ऐसी बहुत सी वनस्पतियाँ या जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते और उनका प्रयोग नहीं कर सकते। तो एक ऐसी ही दिव्य औषधि है या दिव्य वृक्ष है जिसको हम पलाश, टेशू, ढाक, रक्त पुष्पा, ब्रह्म पुष्पा, किंशु, जंगली फ्लेम, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। पलाश के वृक्ष भारतवर्ष में सब जगह देखने को मिल जाते हैं। इन वृक्षों का प्रयोग प्राचीन काल से ही औषधीय रूप से किया जाता रहा है। इस पलाश के वृक्ष की लंबाई करीब 15 से 20 फीट तक हो जाती है और इसकी जो ऊपरी छाल है, जो खुरदरी होती है, ये करीब 1/2 इंच मोटी होती है। इसके पत्र के ऊपर एक कहावत कही गई है कि ढाक के तीन पात्र। तो इसके तीन पत्र संयुक्त में होते हैं और ये 4 से 6 इंच लंबे और आगे से गोलाकार चमकीले होते हैं। इनके पुष्प रंग भेद में पीले, नारंगी, सफ़ेद आदि रंगों के मिलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में इनकी त्वचा में से कहीं अगर हम खरोंच देते हैं या कट लगा देते हैं तो इसमें से एक रस निकलता है जो जमने के बाद लाल रंग का हो जाता है, जिसको हम कमरकश के नाम से जानते हैं। इस वृक्ष में बहुत ही गुणकारी औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसके पुष्प स्तंभन, रक्त स्तंभन, मूत्र, कुष्ठघन, ज्वर और दाहा को हरने वाले होते हैं। ये कफ और पित्त का नाश करता है। इसका गोंद स्तंभन अम्लपित्त ग्रहणी वल्ल को बढ़ाता है। यह संग्रहणी मुख रोग और खांसी को दूर करता है। इसके पत्ते सूजन और दर्द को नष्ट करते हैं। इसका पंचांग रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह दीपन, पाचन, इकृत उत्तेजक, कफ और बात का शमन करता है। इसकी जड़ का रस नेत्र रोग, रतौंधी और नेत्रों की फुली को यह नष्ट करता है और आँखों की ज्योति को बढ़ाता है। पलाश की ताजी जड़ों का अर्क 1 से 2 बूंद नेत्रों में डालने से नेत्रों की झाग, खील, फुली, मोतियाबिंद, रतौंधी इत्यादि सब प्रकार के रोग नष्ट होते हैं। ठंड गर्म या गर्मी आने पर बहुत सारे लोगों की नकशीर हो जाती है, नाक से खून निकलता है। तो आप ऐसे में रात भर शीतल जल में भीगे हुए 5 से 7 इसके पुष्पों को छानकर सुबह थोड़ी मिश्री मिलाकर पिलाने से आपकी नकशीर बंद होती है। इसकी जड़ों को पीसकर 5 से 7 बूंद नाक में टपकाने से मिर्गी का दौरा आना बंद होता है। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले स्त्रियों के गले में काफ़ी मोटा मोटा जो ट्यूमर सा दिखता था, उसको हम गला गंड के नाम से जानते थे। तो उसको मिटाने के लिए आप इसकी जड़ को घिसकर कान के पीछे लेप करते हैं तो गला गंड मिटता है। इसकी ताजी जड़ों का अर्क 5 से 7 बूंद नागर बेल के पत्तों के साथ खाने से आपकी भूख खुलती है और आपको खाया पिया पचता है और आप हष्ट पुष्ट बनते हैं। पलाश की छाल और सोट का काढ़ा 30 से 40 मिलीलीटर दिन में 2 बार पिलाने से आपके पेट में अफरा, गैस, पेट में दर्द इत्यादि दूर होता है। बच्चों या बड़ों के पेट में कीड़े होने पर आप इसके बीजों का चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 2 बार खाने से आपके पेट के कीड़े मरकर बाहर निकल जाते हैं। इस औषधि का प्रयोग खूनी बवासीर में भी किया जाता है। आप इसका पंचांग की राख 10 से 20 ग्राम की मात्रा में गुनगुने घी के साथ पीने से आपकी खूनी बवासीर में बहुत ही लाभ होता है। इसके कुछ दिन लगातार सेवन करने से मस्से सूख के गिर जाते हैं। पलाश के फूलों को उबालकर गरम गरम पेट पर बांध दें। इससे रुका हुआ पेशाब खुलकर आता है, आपकी किडनी की सूजन उतरती है और किडनी में जो समस्या है या दर्द है वो भी दूर हो जाता है। इसके फूल व पत्तों को आप ले लें और इसको पीस कर चटनी बना लें। जहाँ भी आपके गांठ है या कहीं भी सूजन है, आप वहाँ लेप करते हैं तो आपकी गांठ बिखर जाती है और सूजन भी चली जाती है। पलाश के बीजों को पीसकर शहद में मिलाकर जहाँ भी दर्द है आप वहाँ लेप करते हैं तो आपके जोड़ों के दर्द, अर्थराइटिस आदि चीज़ों में आपको बड़ा ही आराम
होता है। पलाश के बीजों को महीन पीसकर शहद के साथ आप मिक्स कर लें और आपके जोड़ों में अगर दर्द है, किसी भी विशेष स्थान पर अगर दर्द है तो आप वहाँ लेप कर देते हैं तो आपके दर्द में तुरंत आराम होता है। घाव या जख्म होने पर आप इसका गोंद का चूर्ण करके वहाँ अगर लगाते हैं तो घाव और जख्म में काफ़ी लाभ होता है। दांत खाज खुजली होने पर आप इसके बीजों को नींबू के रस में पीसकर और आप वहाँ लगाते हैं तो आपके खाज दांत या कुष्ठ रोग में विशेष लाभ होता है। इसका पंचांग आप छाया में सुखाकर और इसका चूर्ण कर लें। शहद और घी में मिलाकर एक चम्मच सुबह और शाम आप सेवन करते हैं तो आप निरोगी और दीर्घ आयु को प्राप्त होते हैं। इसके जड़ का अर्क 5 से 6 बूंद की मात्रा में दिन में 2 बार सेवन करने से अनैच्छिक वीर्य स्रव रुकता है और काम शक्ति प्रबल होती है। तो इस पलाश का प्रयोग आप कौन सी बीमारी में किस प्रकार करते हैं हमें आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। आप इस पलाश ढाक का प्रयोग किस प्रकार कौन सी बीमारी में करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको यूजफुल लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम कल फिर मिलते हैं एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।